यो गाइज व्हाट्सअप, आज हमारी यूनिवर्सिटी में 14th अगस्त का फंक्शन हो रहा है जो कि 13th अगस्त को हो रहा है क्योंकि 14th को संडे भी है और सब बिजी होते हैं। आज मैं आपको दिखाता हूँ अपने क्लासमेट्स का फाइनल ईयर प्रोजेक्ट जो कि वो यहाँ पर आज फर्स्ट टाइम लॉन्च किया है उन्होंने। अच्छा तो ये तो अब काफ़ी, ये आप देख सकते हैं ये चॉकलेट है, चॉकलेट, ये बेसिकली चॉकलेट्स हैं, चोको बाइट्स हैं, विटामिन डी एनहांस चॉकलेट्स हैं और ये एंटी एजिंग चॉकलेट्स हैं। इन ये डायबिटिक पेशेंट्स भी यूज़ कर सकते हैं, ब्लड कोलेस्ट्रॉल शुगर ब्लड प्रेशर लोअरिंग, इसके अंदर न्यूट्रिएंट रिच चॉकलेट्स हैं, डार्क चॉकलेट बेसिकली। और ये वाली जो हमारी फॉर्म्स हैं, अच्छा यहाँ पे ना अभी गर्मी बहुत हो रही है तो इस वजह से थोड़ी सी मेल्ट हो रही है, और क्योंकि हमने कोकोआ पाउडर भी बहुत कम यूज़ किया था तो ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से ये थोड़ी ज़्यादा हार्ड नहीं हो पाती हैं। लेकिन इसमें पीनट बटर ज़्यादा, थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ हुआ है। अच्छा आप ये रिसर्च के बारे में देख सकते हैं, एक्सक्यूज़ मी मिस, इधर प्लीज़, आप बताना चाहेंगी इसके बारे में, ये जो ऑर्गेनिक सिप का है प्रोजेक्ट? ओके, ऑर्गेनिक सेब बेसिकली ये बना है बीट रूट से, ठीक है, एंड दिस इज़ प्योर ऑर्गेनिक सेब, और ये आपके इन्हांस करता है, आपकी इम्यूनिटी को इन्हांस करता है और आपकी जो ब्लड सेल्स हैं जिसमें योर आरबीसीज, योर प्लेटलेट्स विद इन रेंज, और जो आपके ल्यूकोसाइट्स यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हैं वो विद इन नॉर्मल रेंज जो है वो इम्प्रूव करता है, तो इट गिव योर इम्यूनिटी बूस्ट। नहीं मेरे लिए फ्री है ये, ठीक है। हाँ ओके अच्छा तो चॉकलेट्स के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। ये मेरी क्लासमेट है यास्मीन, ये इसकी रिसर्च है, ये तुम्हारी रिसर्च है, फाइनल ईयर प्रोजेक्ट है इसका। आप ये देखें इसके अंदर, इस प्रोजेक्ट में इसने मेरा 10 दफ़ा कोई खून निकाला होगा। हर दूसरे दिन ये मुझे लाके चुकंदर खिलाती थी, कभी चुकंदर का जूस पिला रही होती थी, बीट रूट का एक्सट्रैक्ट का पता नहीं क्या कुछ खिलाया, फिर ये बार बार मेरा खून निकालती थी, और उसके बाद ना ये टेस्ट कर रही होती थी कि भाई इसके अंदर ब्लड लेवल बढ़ा नहीं बढ़ा। तो ये जो आप रिजल्ट देख रहे हैं, इन पेशेंट्स में से एक मैं भी हूँ, एक मैं टेस्ट सब्जेक्ट हूँ, और मेरा वाकई में ब्लड इंक्रीमेंट हुआ था। अच्छा ये ड्रिंक जो है बेसिकली एंटी एनीमिया, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी एजिंग, एंटी हेयर फॉल, इसके अंदर ब्लड प्रेशर को भी लो करता है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है जब ब्लड इंक्रीज होगा तो होगा ना। तो ये है कि इसके अंदर बहुत सारे इफेक्ट्स हैं। अच्छा यार ये बच्चे आए हुए हैं, दरअसल आपको होता है ना कि जहाँ पर चीज़ वगैरह मिल रही होती है, हाँ देखो मांगने वाले बच्चे मत दिखाओ, मांगने वाले बच्चे भाग रहे। ये चॉकलेट जहाँ देखी नहीं ना वहाँ मांगने वाले बच्चे आ गए। बेटा एक काम करो, ये लो जाओ माफ़ करो, ये लो ले लो जाओ माफ़ करो। मिस्टर उमर जो कह रहे हैं वो ठीक भी है, इन्होंने अपना खून दिया है, इज ही राइट? अब ये बंदी, आई लव हर, हर नेम इज यास्मीन। एक्सक्यूज़ मी, पाकिस्तान के अंदर अभी भी LGBT का लॉ पास नहीं हुआ है, ठीक है, तो थोड़ा ख्याल कीजिएगा। यहाँ पर अभी तक हम सब स्ट्रेट हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं कि जो LGBT को बहुत प्रमोट करते हैं, गलत बातें हैं बहुत ज़्यादा। अच्छा तो RBC काउंट, वाइट ब्लड सेल काउंट, प्लेटलेट काउंट, ये सब इसके अंदर प्रॉपर इंक्रीज़ आया है। अच्छा मैंने ये तो ट्राई कर लिया, मुझे बहुत अच्छा लगा, अब हम चॉकलेट भी खाकर देख लेते हैं। चॉकलेट हम कौन सी खाएंगे? चॉकलेट हम ये, यार ये मेल्ट हो रही है, मुझे ना बर्फ़ पे रखी भी खाऊंगा मैं। ओके ये आप पकड़ सकते हैं अतीब भाई, यार ये मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं मेरी पहले कभी व्लॉग में नहीं आए हैं। हाँ सही है, मिस्टर अतीब ये इसलिए इतने फेमस हैं, ये कर रहे थे बॉक्सिंग करने जाते थे तो इनकी टांग टूट गई थी बॉक्सिंग करते करते, तो आज तक इनको ना चलने में बड़ा मसला होता है। अच्छा मैंने कौन सी वाली चॉकलेट उठाई थी? ये उठाई थी मैंने, अच्छा स्लो मोशन में। जी यार बेटा ये कीड़े की इसकी हैसियत नहीं है,
अच्छा तो आज आप बताएं, आप लोग बहुत तैयार शायर होकर आए हुए हैं, ऐसा क्या इवेंट है, ऐसा क्या इतना कोई स्पेशल ओकेजन, क्या दिन है? 14 अगस्त का इवेंट है यहाँ पे माजू में। अच्छा, तो 14 अगस्त को ऐसा क्या हुआ था कि आप लोगों को इतनी खुशी हो रही है और आप इतना तैयार होकर आए हैं? पाकिस्तान आज़ाद हुआ था। अच्छा, कौन से ईयर को आज़ाद हुआ था? 1947 को उर्दू में क्या कहते हैं? 1947। अच्छा, आप मुझे बताएंगी ज़रा पाकिस्तान की कुछ हिस्ट्री के बारे में? पाकिस्तान की हिस्ट्री क्या? पाकिस्तान की हिस्ट्री जैसे कायद आज़म ने, पहले अल्लामा इकबाल ने पाकिस्तान का ख्वाब देखा, फिर वो कायद आज़म के साथ डिस्कस करा, फिर कायद आज़म सैयद अहमद खान सब ने मिलकर फिर पाकिस्तान का हाथ से बनाया। ये पूरा एक इंडिया था, फिर इसका कुछ पोर्शन पाकिस्तान की तरफ आया और कुछ इंडिया की तरफ गया। अच्छा, तो पाकिस्तान की तरफ और इंडिया की तरफ किस तरह से हुआ? ये नेहरू से पूछो, उन्होंने नेहरू से पूछूं? अच्छा चलो, खैर छोड़ो, आप मुझे बता दो कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को किसने हेड किया था? कायदा आज़म ने। नहीं यार, आपसे पूछा है सब बता दो। अच्छा, आप बहुत चुपचाप बैठी हुई हैं, और आप बताएं मुझे कि आपने क्या पहना हुआ है? साड़ी। ओके। तो मेरे ख्याल से शायद आप इंडियंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं। नहीं, मुझे बस शौक चढ़ा था। अच्छा, आपको शौक चढ़ा था, वरना अमूमन लोग अपने भाइयों की शादियों में साड़ियाँ पहनते हैं और इस तरीके के इवेंट्स के अंदर, तो आपको आज 14 अगस्त के दिन ही साड़ी पहनने का कैसे इतना सूझा? एकदम से मेरी दोस्त ने मुझसे बोला कि जो है साड़ियाँ पहन लेते हैं, तो आई वाज लाइक लेट्स गो अहेड। वो आपकी ये दोनों दोस्त तो नहीं है? अच्छा, दूसरी दोस्त थी मेरी। वो नहीं आई खुद? नहीं, वो आई है लेकिन वो कहीं और घूम रही है। अच्छा, ओके, गुड, ये भी अच्छी बात है। खैर, आप मुझे इतना बता दो कि पाकिस्तान की बनने की इतनी खुशी जो है आपको, आज कौन सी पाकिस्तान की एनिवर्सरी है? 75th है। आर यू श्योर? या। अच्छा, ये जो आप साड़ी का बोल रहे हैं कि ये इंडियन वो नहीं है, ये वेस्टर्न है, और वेस्टर्न हमारा कल्चर है। हमारा कल्चर वेस्टर्न है? वेस्टर्न है। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल सही बोला, हमारा कल्चर वेस्टर्न ही है, और नहीं हमारे ये जाएगा। अच्छा चलो, अच्छा अगेन हो रहा है। कुछ बोल दूंगी इससे पहले हटा दो। गाइस, तो आपने देखा हमारे साथ कितने एंथुजियास्ट पाकिस्तानी थे, बहुत बहुत शौक से 14 अगस्त मनाने आए हैं, और हमारा कल्चर वेस्टर्न है, याद रखिएगा, वेस्टर्न कल्चर है हमारा, साड़ी इज अ वेस्टर्न ड्रेस। अच्छा अच्छा, सही है। अच्छा, सही है, नहीं आ रहा, YouTube पे मिलेंगे।